तो आप मैं पे? नहीं मैं बैठा था, मैं आप बैठने के लिए आपने कहा नहीं कि आप चैम्बर में बैठ जाओ या कहीं बैठ जाओ, आप बोल देते एक बार कि भाई चैम्बर में बैठ जाओ, यानी आप समझते नहीं है चैम्बर में बैठाना, यानी ये समझते हो तो अच्छी बात है। तो आपने कहा कि बैठ जाओ, आप कहीं भी बैठ बता दो, मैं आ गया, कहीं भी बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। मैंने कहा बता दो ना, मैं आ तो जाऊं, मैंने कहा कि कहीं भी बैठ जाऊंगा। अरे मैं आ गया हूं ना, तो बताओ, आप आ गए हैं, अच्छी बात है। और कल बात मिलने के लिए आप बताओ क्या बात है, वैसे सबको ही आ तो रहता है। अरे आप, मैं कह रहा हूँ निवेदन करो, मुझे बता दो। तो मैं निवेदन करने के लिए बैठा था, मैं इसीलिए साथ में थे और क्या है आवेदक बताओ, आवेदक चले गए, क्या आवेदन है बताओ तो। अब मेरे क्षेत्र की कई समस्या बता दीजिए ना, मैं सुनने को खड़ा तो हूँ। मेरे क्षेत्र में बंटवारा के आप मुझे दे दीजिए आवेदन, ऐसे मैं मौखिक तो मैं कैसे लिखूं, नहीं तो सब जगह की यही हाल है। क्या चीज़ ना रिकॉर्ड सुधार हो रहा है, सब जगह का हाल है, ऐसा नहीं मीडिया खुद कह रही है। और बताइए, अब इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है और आपके यहाँ फाइल आती है लौटा देते हैं, नहीं तो उनने तो भेजा है बना कर सब पूरा तरीके, एसडीएम ने भेजा सब चीज करके भेजा, मुझे कुछ विषय दे देंगे आवेदक भार दे, नहीं यही चीज है, आप पहले कह देते तो मैं इतना बैठा, अब कह तो रहा हूँ ना, नहीं तो पहले कह देते। आपको क्या कहना है, बहस करना है? नहीं बिल्कुल बहस नहीं करने आया हूँ मैं, तो फिर आप बताओ क्या काम करें? मैं बिल्कुल बहस करने थोड़ी आया हूँ, आपसे आप कैसे तो बहस कर सकता हूँ? फिर काहे के लिए बैठे? बिल्कुल बहस नहीं कर, किस लिए बैठे? मैं तो आपसे मिलने के लिए बैठा, मिल लिया मैंने, बताइए। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शायद कलेक्टर सुरेंद्र सिंह विधायक की मुलाकात हो गई है और यहाँ पे और उनका धरना भी खत्म हो गया, लेकिन कोई बात राजेश भैया जिंदाबाद, राजेश भैया जिंदाबाद, राजेश भैया जिंदाबाद, राजेश भैया जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ। क्या मानते हैं विधायक जी, अब कलेक्टर से आप बात करने से करिए, ऐसा नहीं है कि मर्यादा मैं तो बस मिलने आया था आपसे, वही स्वागत नहीं हुआ इसलिए मिलने नहीं, आप अंदर नहीं थे ना, संती ने बताया, संती ने बताया कि आप बाहर गए हुए, इसलिए मैं बैठ गया, मैं तो 4 घंटे चलो 2 मिनट अंदर अरे नूतन भाई अंदर बता दीजिए, मैं तो 4 घंटे से बैठा था इसलिए तो मैं आ गया ना, चलो भाई जब मेरे बच्चे भी हैं, क्योंकि नहीं बताएं नहीं, बिल्कुल सही बात है, घर में बच्चे होते हैं, ऑफिस होता है, ऑफिस सबके घर सबसे, मैं ऑफिस ही गया था, आपने कहा आपका कागज लिया है, नहीं आपने कहा बैठिए, आप बताओ ना, अभी मैं आ गया हूं, मैं आपने कहा बैठिए, कोई बात नहीं आप बताइए। एटीट्यूड आपने देखा है, आपने खुद एटीट्यूड देखा, उनके अंदर क्या सरलता थी, क्या भाव था, मैं हमेशा हाथ जोड़े उनसे निवेदन कर रहा था कि आप पहले आ जाते, आपका ईगो हर्ट हुआ। राजेश जी एक बात, राजेश जी तो आप इस मुलाकात को क्या अपनी गरिमा के अनुरूप मान रहे हैं, क्या एक विधायक की गरिमा के अनुरूप? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपने देखा है, अभी तो कहा जा रहा था कि विधायक जी मतलब कलेक्टर साहब है नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा था, मैं तो आपके सामने कह रहा था कि कलेक्टर साहब है नहीं, आप कहाँ से निकल आए, हवा में उड़ के चले गए या फिर कोई शायद हेलीकॉप्टर चलने लगा है तो पहुंच। इस मुलाकात को क्या मानते हैं आप, मुलाकात का आप कोई व्यस्त कारण? बिल्कुल मुलाकात का कोई भी अस्तित्व नहीं, मतलब मुलाकात का आप कारण नहीं बता पाए, काम था तो आपने क्यों काम नहीं बताया? बिल्कुल बताया, उन्होंने कहा एक्सेप्ट किया, आश्वासन दिया, कारण कुछ नहीं दिखा, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, आपने देखा अब क्या करेंगे अब आप, उनने देखा है, उनने आपने खुद सुना है, आपने क्या आश्वासन दिया, आपने अपने क्षेत्र की समस्या बताई, बिल्कुल नहीं बोला, आपने अपने क्षेत्र की समस्या, वो अधिकारी कर्मचारी को अंदर बैठा सकते हैं, बुला सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, जनता के प्रतिनिधि को कभी नहीं वो बुला सकते हैं, अब बुलाते होंगे जिनको बुलाते होंगे, आपने देखा हो किन किन को बुलाया है। अब आगे क्या रहेगा आपका? अब आगे अपने सुपीरियर हमारे सरकार को रखेंगे हम अपनी बात, किस तरह की बात, 4-5 घंटे के बाद कलेक्टर बाहर आ रहे हैं और उनकी बात करने की आपके आपने आप देखा ऐसे अडे कलेक्टर को जिले से हटाने की मांग करेंगे अपने? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नहीं तो ये तो मुझे किसी में भी फंसा सकते हैं, क्योंकि एक दलित विधायक को किसी चीज में भी फंसा सकते हैं, ये मुझे आरोप लगा सकते हैं,
आपने देखा है ना, विधायक जी आपने देखा है ना, नहीं तो कोई और होता अंदर ले तो मतलब कई बार दे चुके उनका पालन नहीं हुआ तो क्या लिखा दिया था कुछ नहीं तो लिखे तो मैं कई बार दे चुका किया कि मैं करवाऊंगा। मीडिया को बताइए किस तरह की समस्या, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक विवाह में एक पौती नामांतरण पड़े हुए हैं या फिर बंटवारा पड़े हुए हैं या फिर रिकॉर्ड सुधार पड़े हुए हैं, मैं करवाऊंगा। कहा क्या नहीं कहा आपके सामने, आप लिखित में दीजिए, लिखित में कितने लोगों का देगा आदमी, आप सभी को मंगाइए ना, पूरे जिले की मंगाइए ना आप। हाँ, किसान सम्मान निधि कैसे मिलेगी हमारी सरकार की, हमारी सरकार सरकार के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।